मैं सारे दर्शकों को यह बोलना चाहता हूं कि भारतीय संविधान और न्याय प्रक्रिया पे आप विश्वास रखिए, न्याय मिलेगा। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है नारायण दत्त तिवारी, जो कितनी बार मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे ने जब क्लेम किया कि वो उनका बायोलॉजिकल बेटा है, तो कोर्ट ने कितने सालों के बाद उस केस में भी न्याय किया। सारे प्रमाण आप दे रही है तो कोर्ट में जाकर के शपथ लेके एक पार्टी बनिए। जितने प्रवक्ता नेता यहाँ आ रहे हैं उनको बोलिए कि कोर्ट में जाके पार्टी बने और बोले न्यायालय में कि हमारे पास साक्ष्य है, मैं गवाह हूँ। जाएगा कोई नेता, कोई प्रवक्ता, कोई पार्टी बनेगा? ठीक। वहीं एके मिश्रा साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एके मिश्रा साहब मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा साहब, पिछले काफी समय को अगर मैं देखता हूं, देखिए एंकर महोदय, ये जो आरोप है भारतीय समाज, सभ्य समाज और संस्कृति के लिए बहुत ही खतरनाक आरोप है, और इस पे न बीजेपी न कांग्रेस की बात होनी चाहिए। जो पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए, ये मेरा पहला ओपिनियन है। मैं सारे दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान और न्याय प्रक्रिया पे आप विश्वास रखिए, न्याय मिलेगा। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है नारायण दत्त तिवारी, जो कितनी बार मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे ने जब क्लेम किया कि वो उनका बायोलॉजिकल बेटा है, तो कोर्ट ने कितने सालों के बाद उस केस में भी न्याय किया। दूसरी चीज एक बड़ी सोचने वाली बात है, पिछले कई सालों से मी टू का केस चला था, जिसको देखो वही 10 साल बाद, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद, एक तिवारी जी थे जिनको किसी गलत केस में फंसा दिया गया था, यूपी वगैरह किधर की ये खबर थी, 25 साल उनका पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया था, तब वो छूटे थे। सवाल ये है कि उस वक्त भी 100 नंबर था, पुलिस थी, हरियाणा पुलिस, ये सब मंत्री मिनिस्टर पक्ष विपक्ष था, इतनी बहादुर हमारी लड़कियां हैं जो पूरे विदेश में देश का नाम रोशन कर सकती हैं रेसलिंग वगैरह में। भारतीय समाज की मानसिकता समझिए, चौराहे पे अगर कोई छेड़खानी करता है तो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां और पुरुष भी जो रहते हैं वहीं पे न्याय कर देते हैं, वहीं पे इस तरीके के अपराधी की सुनवाई और न्याय सब कुछ वहीं पे हो जाता है। इतने साल बीत गए, 100 नंबर पे फोन पता नहीं इन्होंने किया कि नहीं किया, नहीं किया तो क्यों किया भाई? किसी के आगे झुक करके शोषण करवा करके क्यों सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है? उसी वक्त जब आपके साथ ये चीज हो रहा था तो आपके साथ पूरा पक्ष विपक्ष खड़ा होता, उस वक्त भी खड़ा होता, क्या आपने कभी 100 नंबर पे फोन किया? इतने सारे महिला आयोग हैं, आपने कभी कोई ट्वीट किया? अगर आप नहीं बोल पाते थे तो महिला पुलिस को जाके बोलिए। ये इस एंगल से भी देखना, हालांकि देखिए न्याय प्रक्रिया चल रही है, ये सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं विपक्ष के लोगों से और बहुत सारे लोगों से इस एंगल पे भी मैं पूछना चाहता हूं कि भाई जिस वक्त घटना होती है उस वक्त ऐसा क्या डर बैठा हुआ था? मैं ये भी मानता हूं कि महिलाओं की स्थिति बड़ी अजीब होती है, प्रेशर के कारण वो ऐसी घटनाएं होती हैं कि 10-10 20-20 साल तक वो बोल नहीं पाती हैं। लेकिन अगर इतने सभ्य समाज, इतने उन्मुख और जागरूक समाज की बात करें तो इमीडिएटली 100 नंबर पे फोन करते, नहीं कर पाते तो कहीं छुप के ट्वीट कर देते, ईमेल भेज देते, महिला आयोग है तो उसी वक्त ये न्याय हो जाता। इसके पीछे क्या कारण है कि 5 साल के बाद एक बार आपने किया, उसके बाद अच्छा जब सारे नेता विपक्ष के आएंगे तभी आप न्याय की मांग करेंगे, क्या इसके पहले आप कभी गए FIR लिखाने? अगर नहीं तो कोर्ट के थ्रू आपको जाना चाहिए था, महिला आयोग के थ्रू जाना चाहिए था, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इसके पीछे ये क्या है? ये इसमें बहस होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज ऐड करूंगी, मैं मिश्रा जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। मिश्रा जी ने बोला कि ये लड़कियां पहले नहीं बोली, पहले भी तो बोल सकती थी। देखिए अब पहले नहीं बोली, अब बोली, अब क्या हुआ? अभी भी पुलिस जो है, पुलिस ने अभी तक भी संज्ञान नहीं लिया, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, एक ट्वीट तक जो है भाजपा ने नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कहाँ है? कम से कम एक ट्वीट ही कर देती। रेखा शर्मा जी कहाँ है, जो वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है? उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। क्या महिलाओं की भाजपा में है केवल इसलिए? क्या वो महिलाओं की जो है बात भाजपा और कांग्रेस की यहाँ पे नहीं है? एक शब्द मैम, देखिए बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है। अभी राजस्थान में ही कोई एक ऐसा रेप का केस हुआ था, जला दिया गया था। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। किसी के भी सम्मान के ऊपर अगर अपने राष्ट्र में आता है तो पहला क्या होता है कि भाई आप इमीडिएटली जो अधिकारी हैं, पुलिस हैं, केस करिए। मेरा क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर इतने सफल आदमी, चाहे महिला हो या पुरुष, और ये बोले कि हम किसी कारण से इमीडिएटली नहीं गए और 5 साल के बाद उनको याद आता है, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड,
तो ये भी एक तरीके से उन्होंने पूरे समाज के साथ उन्होंने ये अन्याय किया है। प्रभाव है कोई बहुत दबी कुचली गांव की। देखिए मीटू जैसी साजिशें भी चलती रही है। आपको ऐसे भी केस आए हैं जहां पे फर्जी रेप केस में फंसा दिया, फर्जी जो है डाउरी के केस में फंसा करके लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप बोल लो विवेचना की बात है, सत्य सामने आएगा। मेरा सवाल ये है कि इतने विद्वान लोग जो है, इतने पावरफुल लोग हैं, क्यों नहीं जब आपने, मैं ये बोलता हूँ किस डर के कारण आपने जो है ये सब चीजें 5 साल तक होने दिया? ऐसा क्या डर था? क्यों नहीं उसी वक्त आपने बोला कि भाड़ में? इसका मतलब मेरे भारतीय जनता पार्टी को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब कपीर जी ठीक है, हमेशा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब फोन कर दिए होते तो वही पे न्याय हो जाता पूरा। बोलने से थोड़ी सच हो जाता है कपीर जी। अभी आप पूरी पूरी बात इस वक्त सबकी सुन रहे होंगे। सच नहीं साबित हो जाती। बोलिए ऋतु, बोलिए। पहले आप बोल लीजिए, फिर बात करता हूँ। महिला पुलिस जितना हल्ला मचा रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए, देर हो सवेर हो, लेकिन उसी वक्त किए होते तो एक दूसरी नजीर बनती। ज्यादा जोर से बोलने से या चीखने से झूठ सच नहीं हो जाता, पहली बात तो ये समझ लीजिए। तो आप मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो आप बोल रहे हैं वो सब सच है? मतलब फिर तो कोर्ट क्यों जा रहे हैं? अगर आप सारे प्रमाण आप दे रही हैं तो कोर्ट में जाकर के शपथ लेके एक पार्टी बनिए। जितने प्रवक्ता नेता यहाँ आ रहे हैं उनको बोलिए कि कोर्ट में जाके पार्टी बने और बोले न्यायालय में कि हमारे पास साक्ष्य है, मैं गवाह हूँ। जाएगा कोई नेता, कोई प्रवक्ता, कोई पार्टी बनेगा? ठीक।